ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने अक्टूबर के अंत में ओमिक्रॉन के दो नए वेरिएंट को BQ1 और XBB नाम दिया। दोनों सब वेरिएंट अनुवांशिक तौर पर आपस मिलते हैं और ये ओमिक्रॉन की तीसरी पीढ़ी है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य अधिकारी इन पर नजर रख रहे हैं, लेकिन दोनों सब वेरिएंट इस लेवल पर चिंताजनक नहीं है। अगर हम ओमिक्रॉन के अलग अलग वेरिएंट को एक परिवार के रूप में देखें, तो इस साल के शुरुआत में ब्रिटेन में प्रभावी रहा BA2 वेरिएंट। BA5 फिलहाल ब्रिटेन के प्रभावी वेरिएंट का पेरेंट और BQ1 का ग्रेट पेरेंट है। दूसरे शब्दों में कहें तो BQ1 BA5 का सब वेरिएंट है। XBB ओमिक्रॉन BA2 के दो सब वेरिएंट और BA2.75 का हाइब्रिड वेरिएंट है, लिहाजा BA2 का दूसरा ग्रैंड चाइल्ड है। इस तरह से XBB और BQ1 एक ही परिवार से आते और कजिन हैं। जब दो अलग अलग सब वेरिएंट की अनुवांशिक सामग्री यानी कि जेनेटिक मटेरियल के कुछ हिस्से आपस में मिलते हैं, तो एक हाइब्रिड वेरिएंट बनता है। हमने पहले भी कोरोना वायरस के साथ ऐसा होते देखा है, क्योंकि उसके वेरिएंट को एक्स ये इंगित किया गया है। क्या इस वेरिएंट से चिंतित होने की जरूरत है? ब्रिटेन, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में BQ1 का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हालिया आंकड़ों से अनुमान लगाया गया है कि देश में BQ1 से संक्रमण की दर 16.7% है। वहीं अमेरिका में BQ1 और BQ11 से संक्रमण के करीब 35% मामले सामने आए हैं। XBB का प्रकोप एशिया में अधिक नजर आता है। ONS के आंकड़े बताते हैं कि ब्रिटेन में XBB से संक्रमण के 0.7% मामले सामने आए हैं। सिंगापुर में हाल ही में संक्रमण के जितने मामले सामने आए थे, उनमें से 58% XBB से जुड़े थे। लेकिन एक तरफ जहां दुनिया भर में XBB से जुड़े मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ सिंगापुर में इसके मामले कम होने लगे हैं। वैज्ञानिक उन विभिन्न क्षेत्रों पर करीब से नजर रख रहे हैं जहां ये दोनों वेरिएंट पाए जा रहे हैं, ताकि ये देखा जा सके कि कहां इनके ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।